अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दुनिया। आप लोग सब कैसे हो? आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से माशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैं जा रही थी आम पन्ना बनाने, तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आम पन्ना की रेसिपी। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी सा है, आप लोग चाहो तो बना के इंजॉय कर सकते हो। सो चलिए दिखाते हैं। तो मैंने ये देखिए दिन में ही बॉइल कर लिया था आम को, और वैसे मैं रख दी थी यहाँ पे आम। देखिए मैंने दिन में ही बॉईल कर लिया था और वैसे मैंने रख दिया, तो मतलब बॉईल करने के बाद रख दिया, अब उसका पानी वही मैं फेंक दी थी। और अब जा रही हूँ मैं इसे छीलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आम छील रही हूँ, जेवा मेरा शूट कर रही है, हेल्प कर रही है मेरा शूट कर देने में। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा से जो है अच्छे से मतलब निकल जाता बॉईल करने से। तो बस इसे देखिए छील दी हूँ, कैमरा सही से प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यस, अभी फोकस प्रॉपर तरीके से किया। छीलने के बाद इसे अच्छे से देखिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ पीसेस के हिसाब से, और ये जो उसकी जो गुठली है वो निकाल लूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए आम को अच्छे से पीस कर ली हूँ, कट कर ली हूँ, गुठली निकाल दी हूँ। दो कच्चा आम ली थी मैं और उसे बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद इसके पीसेस कर ली हूँ और गुठली निकाल दी हूँ और उसे साइड कर दी हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दो लेमन ली हूँ, मुझे लेमन जूस चाहिए तो दो लेमन ली हूँ और लेमन को मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पे आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने सॉल्ट क्यों लिया है। भाई डेकोरेशन के लिए भी तो चाहिए ना, तो आइए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्ट लिया है और रेड चिली पाउडर ली हूँ मैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से देखिए सॉल्ट और जो रेड चिली पाउडर मिल जाए ताकि एक कलर आ जाए। और इसका क्या काम है आइए दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हो गया, अब मैं जा रही हूँ, देखिए ये ग्लास है, ग्लास को मैं लेमन से ऊपर के मुंह पे अच्छे से पूरे तरीके से लेमन का जूस लगा दे रही हूँ। उसके बाद अब होगा डेकोरेशन का काम, लेमन का काम तो हो गया। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, ये जो मिक्सर मैंने बनाया था इस मिक्सर में मैं ग्लास को अच्छे से देखिए गोल करके घुमाऊंगी प्रेस करके, ताकि जो सॉल्ट और जो रेड चिली पाउडर का जो मिक्सर है ये अच्छे से ग्लास के मुंह के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से कोट हो जाए। डेकोरेशन का काम तो हो गया है फ्रेंड्स, अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैंगो जो कट करके रखा था उसके पीसेस मैं यहाँ पे डाल दी हूँ मिक्सर में मिक्स करने के लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे ग्रीन चिली, आप चाहो तो ग्रीन चिली डाल सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। एक ही डाले, छोटा सा एक ग्रीन चिली मैं डाल दी हूँ। अब यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जो होता है ब्लैक सॉल्ट आप यहाँ पे ऐड किए, मैं 2 टेबल स्पून ऐड की हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट भी मैं ऐड की हूँ और यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी। यहाँ पे मैं वही रेड चिली पाउडर और नमक ऐड कर रही हूँ जो मैंने डेकोरेशन में यूज किया था। भाई वेस्ट क्यों करना जब है तो बस वही सॉल्ट और मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर दी हूँ। आफ्टर दैट उसे ऐड करने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड की थी बड़ा स्पून से, और यहाँ पे उसके बाद मैं लेमन ऐड कर रही हूँ। लेमन जो मैंने 2 लेमन कट किया था, पूरा फुल 2 लेमन मैं ऐड करी हूँ। अगर आपको ज्यादा खटास पसंद है तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अब ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, तो ब्लैक पेपर पाउडर मैं 1 टेबल स्पून ऐड की हूँ। आफ्टर दैट मैं ऐड करूंगी पानी, थोड़ा पानी ऐड करें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं मिक्सी ऑन कर दे रही हूँ, मिक्सी। तो मिक्स करने के बाद उसके बाद मैंने फिर ओपन किया, रुक गई। उसके बाद मुझे ऐड करना था शुगर, बिकॉज वो सारा चीज मिक्स हो गया, अब मीठा। तो शुगर मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऐड की हूँ, उसके बाद फिर मैंने 2 टेबलस्पून और भी ऐड किया, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, अदरक, मुझे पर्सनली अदरक का स्मेल पसंद नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया। आपको अगर पसंद है तो आप थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा मिक्सर रेडी हो चुका है, और अब मैं इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। देखिए आप यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऐड कर रही हूँ पानी, बिकॉज मेरा मिक्सर बहुत ही थिक था, आम पन्ना जो था मैं ज़्यादा पानी देके उसे मिक्स नहीं की थी तो बहुत थिक था, तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैंने मिक्स कर लिया, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जंजीरा, 2 पैकेट मुझे जंजीरा का पाउडर ऐड करना है, टेस्ट बहुत गजब आता है। जंजीरा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिकॉज ये रेडी हो चुका है और अब होगा रेडी टू सर्व। तो अब चलिए जो हम ग्लास डेकोरेट करके रखे उसमें हम डालते हैं थोड़ा लेमन के पीसेस, जो अच्छा लगता है फ्लेवर आने में। तो ग्लास में मैं कट करके लेमन डाल ले रही हूँ और आइस डालूंगी भर भर के।
राइस भर भर के मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। नाउ आप देखिए मैं इसमें ऐड करूंगी आम पन्ना। ये समर का बेस्ट ड्रिंक है मेरे लिए, बेस्ट बेस्ट। ये हमारे हेल्थ भी बहुत अच्छा रखते, पेट भी बहुत ठंडा रखता है, और गर्म में आपको जो वो लू लग जाता है, हमारे लैंग्वेज में जो बोलते हैं, वो लू भी नहीं लगता इससे। आप इसे पियो, अपने बच्चे लोगों को पिलाओ बहुत। ये छोटा में छोटे जब थे हम लोग तो हमारी मम्मी हम लोगों को पिलाती थी, और अभी तो इसमें बहुत कुछ ऐड हो गया, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना आम पन्ना, और ये ग्लास जो डेकोरेट की थी ये इंजॉय कर रही हूँ मैं। फर्स्ट मुंह पे जब आया तो इतना टिंटेड लगा, ओ माय गॉड, लाइक हेवन, मतलब इतना टेस्टी है। आप लोग भी इंजॉय करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। फ्रेंड्स यही था आम पन्ना का एक छोटा सा रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आम पन्ना कैसा लगा। और मैं तो भाई अपना आम पन्ना इन्जॉय कर रही हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये आम पन्ना वाला रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं कुछ न्यू रेसिपी, कुछ न्यू वीडियो, कुछ न्यू व्लॉग लेके आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।